गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 9 ऑडियो एंड वीडियो। मीन्स हम हमारे वेब पेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की हेल्प से ऑडियो एंड वीडियो क्लिप कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। इस सेशन को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हमारे टॉपिक रहेंगे ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं वेब पेज के अंदर, और दूसरा रहेगा फ्लैश फाइल और मूवी हम कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज के अंदर। सिल्वर लाइट कंटेंट वाला हम सेकंड पार्ट में करेंगे। पहले हम देखते हैं हमने ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट कैसे इंसर्ट करना है। अब तक हमने देखा है हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हमने ऑडियो फाइल कैसे या ऑडियो कंटेंट हमने कैसे इंसर्ट करना है। बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हो, हम एक्सप्रेशन वेब को यूज़ कर सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन की तरह, एज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा ही हम इसको यूज़ करेंगे आज। आओ हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमने कैसे करना है। इसको बेटर समझने के लिए मैंने अलग अलग फाइल मतलब पेज लिए हैं। HTML, audio.html लिया है ऑडियो के लिए, फ्लैश के लिए एंड यूट्यूब के लिए। पहले हम ऑडियो वाले पेज पे वर्क करेंगे। हम डिज़ाइन मोड में जाएंगे जहाँ हमने वो ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करनी है। वहाँ पे हम पेज पे कर्सर रखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हमने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया कौन सा करना है? आपने विंडो मीडिया प्लेयर वाला कंटेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विंडो मीडिया फाइल सेलेक्ट है, मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया। जितने ही मेरे पास फाइल पड़ी है सभी वहाँ पे दिखा देगा। मैंने ऑडियो क्लिप ऐड करनी है तो मैंने ऑडियो क्लिप पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब मेरी ये ऑडियो क्लिप आपके वेब पेज में ऐड होगी बहुत ही आसानी से। इसकी आप एक बात बच्चों याद रखना, ये हमें यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज के लिए अगर आप वेब डेवलपिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको इसकी कोडिंग का आना भी ज़रूरी है। इसलिए आप इसको यूज़ इस वे में कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी कोडिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसका कोड भी कोड व्यू में जाकर देख लिया करो, इसका क्या कोड है ये आप चेक कर लिया करो, ठीक है? ओके, हम इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया। अब इसकी हम आउटपुट देखेंगे। अलाउ ब्लॉकड कंटेंट को करेंगे अलाउ, ये हमारा ऑडियो क्लिप ऐड है। ये अपना ऑडियो क्लिप ऐड हो चुका है, ठीक है? और नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी में हमने अगर वीडियो क्लिप ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे। हम इसी पेज के अंदर वीडियो कंटेंट ऐड कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है। इंसर्ट पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक किया, विंडो मीडिया प्लेयर कंटेंट लिया, वहीं पे मेरी जो वीडियो फाइल पड़ी हुई है ऑल फाइल पे क्लिक किया। मैंने ये वीडियो क्लिप ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये वीडियो क्लिप मेरी ऐड हो चुकी है, इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम ले रहा है, सेव हो गया इसमें। तो थोड़ा स्लो है, 1 मिनट। सेव हो गया जी आपका। आप आउटपुट में जाकर देखिए, अलाउ ब्लॉक कंटेंट को अलाउ कीजिए, ये मेरी वीडियो क्लिप रही है। हाँ, एक बात आपको बता दें, जो आपका व्यूर है
अगर उसने अपना कंटेंट जो प्ले करना है तो उसको आपका कंटेंट प्ले करने के लिए उसमें प्लेबैक पे आपका जो कंटेंट चाहिए, जो एप्लीकेशन जो कोड चाहिए होना चाहिए, मीन्स आपका जो रजिस्टर व्यूअर है उसके सिस्टम के अंदर वीडियो प्ले करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और इसके सलूशन के लिए आप इसके अंदर इसका लिंक भी आप ऐड कर सकते हो, तो आपकी वेब पेज को व्यू करने वाला उस लिंक से आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। देखिए वो क्या होता है, देखिए पहले तो आपने इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा। ताज़ा देखो 7 पॉइंट में लिखा हुआ है, व्हाट द कंटेंट टू प्ले कोडेक, ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिक्वायर फॉर प्लेबैक मस्ट बी अवेलेबल ऑन द विजिटर्स कंप्यूटर, इफ इट इज नॉट अवेलेबल यू कैन इंक्लूड द सोर्स यूजिंग कोड बेस एट्रीब्यूट, विजिटर्स ब्राउजर विल डाउनलोड द कोडेक फ्रॉम द यूआरएल स्पेसिफाइड इन कोड बेस, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट इंस्टॉल एंड प्ले द कंटेंट ऑटोमेटिकली। मीन्स अगर आपका जो विजिटर है तो उसके सिस्टम के अंदर एक आपका कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब जो आपका प्लेयर है वो होना चाहिए, तभी वो प्ले हो पाएगा। अगर आपको ये पता नहीं है अभी होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप उसमें कोड बेस एट्रीब्यूट में आप उसका यूआरएल दे सकते हो ताकि वो इंस्टॉल कर सके वहाँ से और आपका वीडियो प्ले हो सके। इसके लिए कुछ कॉमन यूआरएल दे रखे हैं और इनके दे रखे हैं WAV वाला प्लेयर के लिए, MP4 के लिए, फ्लैश प्लेयर के लिए, सभी कंटेंट दे रखे हैं। आप इन सभी को कोड बेस आपके एट्रीब्यूट में आप इन मतलब यूआरएल को ऐड कर सकते हो। प्रैक्टिकल में देखिए करना हमने कैसे ऐड, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये खुल गया आपका। इसके बाद आप इसमें देखिए सब कुछ दे रखा है, एडवांस है, ऑब्जेक्ट टैग है, ये कोड बेस, ये रहा। यहाँ पे आप दोगे आपने जो यूआरएल देना है, जैसे भी हम चेक करते हैं यूआरएल देंगे, मान लो मैंने ये दे दिया MP4 के लिए दे दिया ये वाला, तो अगर ये जो आपका विजिटर एक्सिस्ट उसके सिस्टम में नहीं होगा तो वह यहाँ से उसके लिए इंस्टॉलेशन की वो डिमांड कर देगा, तो इससे आपका जो वीडियो रहेगा वहाँ पे प्ले हो जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं बच्चों, इंसर्टिंग फ्लैश एनिमेशन। हम फ्लैश वीडियो हम कैसे इंस्टॉल मतलब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, सिंपल वही वे है। मैंने इसको बढ़िया समझने के लिए अलग अलग फाइल्स मैंने सेव की, पेज क्रिएट की HTML के। अब हम फ्लैश वाले पे वर्क करेंगे, इसका भी हम डिज़ाइन मोड में वर्क करेंगे। जहाँ हमने फ्लैश मूवी इंसर्ट करनी है वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पे जाइए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ्लैश मूवी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका फ्लैश मूवी सिलेक्ट है, तो आपका जो फ्लैश मूवी वाला कंटेंट पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप उठा लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप आल करोगे तो कुछ वो आपका फ्लैश मूवी वाला कंटेंट नहीं होगा, अदर टाइप का होगा, इसलिए जो आपका फ्लैश मूवी वाला कंटेंट होगा वही उठाएगा। इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये वाला इंसर्ट हो गया और इसको आप सेव कर दीजिए। इसके बाद आप ब्राउज़र व्यू में जाइए, इसको अलाउ कीजिए, ये आपका प्ले हो गया। क्लियर, ये आपका फ्लैश था। नेक्स्ट आपका रहेगा, अगर आप चाहते हो आपने YouTube का कंटेंट भी आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हो, आपके पास कोई YouTube लिंक है आपने उसको इंसर्ट करना है तो वो भी आप उसकी क्लिप भी आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए देखिए आप, मैंने YouTube वाला पेज क्रिएट किया हुआ है, इसको ओपन कीजिए। हाँ एक बात ध्यान रखिए, हमने ऑडियो और फ्लैश वाला प्रैक्टिकल हमने डिज़ाइन मोड में किया है, डिज़ाइन व्यू में किया है, लेकिन हम ये वाला प्रैक्टिकल कोड व्यू में करेंगे क्योंकि हम YouTube पे कोड इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमने उसको करना है, जैसे हमने डिज़ाइन इसका ओपन कर लिया, मैंने यहाँ इसको इंसर्ट करना है और यहाँ मैंने कर्सर पुट कर दिया और यहाँ
मेरे यहाँ अपना कर्सर पुट कीजिए, क्योंकि वो पैराग्राफ के अंदर उसमें देंगे हम। और यहाँ आपने YouTube वाला URL कॉपी करना है, वो कैसे कॉपी करते हैं अब देखिए। मैंने YouTube ओपन कर रखा है, ये मान लो मैंने ये वाला वीडियो YouTube से वहाँ पे देना है, शेयर पे क्लिक करेंगे, सेकेंड थोड़ा वेट कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए मैंने शेयर पे क्लिक किया, अब देखो हमने ये कॉपी नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है एम्बेडेड, ये सारा इसका यूआरएल आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए आप। इसको हम बोलते हैं एम्बेडेड एचटीएमएल कोड, कॉपी कर लिया। और वहाँ आपके सेशन वेब में जाकर, कोड व्यू में जाकर, जहाँ आपने करना है उसको पेस्ट कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। मैंने सेव कर दिया, अब इसको इसका रिजल्ट आउटपुट में देखिए, ब्राउज़र में व्यू देखिए इसका। ये आपका कंटेंट एड्स हो चुका है, इसको अलाउ कर दो और ये भी इंटरनेट से यहाँ आपका चलेगा। ठीक है बेटा, ये आपका ऐसे। और एक बात और नोट कीजिए, आप इसका आपने डायरेक्टली लिंक दे दिया यूट्यूब का, और ये सभी मैंने ब्राउज़र व्यू किया है, आप इनको यहाँ डिज़ाइन व्यू में देख सकते हो, सभी का डिज़ाइन व्यू भी आपके यहाँ ओके रहेगा।